तो गाइस देखो हमें क्या मिला। देखो देखो आज एक बहुत अफसोस वाली बात हुई है, बच्चे बिना खाए सो गए। रोजे के बाद जब पेट में चाय जाए तभी हमारे तन मन में सुकून आए। क्या बात, वरना हमारी रूह कप कपाए और हम यहाँ से छोड़ के भाग जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वासिस ऑफिशियल ऑफिशियल। चलिए इस व्लॉग को शुरू कर दें, अभी कुछ बहुत ज़रूरी शूट करने जा रहे हैं। तो जी गाइज, हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो नया व्लॉग शुरू हो गया है और यहाँ पे इस बार, क्योंकि इस बार सोफ़ा इस तरफ हो गया है ना, तो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड लगाना है। एक बहुत डिसेंट सा बैकग्राउंड बनाएंगे क्योंकि एक बहुत ज़रूरी कोलैबोरेशन शूट है, छोटा सा शूट है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो वेस्ट ना करते हुए जल्दी से काम शुरू करते हैं। रोज़ा लास्ट व्लॉग अभी जस्ट आउटरो दिया है, उसके बाद नया व्लॉग शुरू कर दिया है और थकान फुल हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, काम ज़रूरी है। तो गाइज ये है कुछ हमारा बैकग्राउंड बैकड्रॉप जो कि आपको देखने को मिलेगा जूफी के इंस्टाग्राम रील पर जब वो आएगी। इसको सेट करने करने में पूरा एक घंटा लगा मुझे, 9 बजे से 10 बज गए। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक बनता है भाई साहब। ये हमारी मैडम का आउटफिट है, पूरा आउटफिट नहीं दिखा सकते, हाफ ही दिखाना है वैसे भी। तो रील बन रही है, उस रील को देखना, लाइक करना। तो चलिए गाइस शूट अपना हम शुरू करने जा रहे हैं, सेटअप वगैरह लग गया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है और उसके बाद मिलेंगे आपसे, क्योंकि शूट में ही टाइम लग जाएगा, फिर मिलते हैं। और अभी खाना भी बनाना है। हाँ अभी चिकन का सालन बनाना है, बस आटा वाटा सब बन रहा है। चलिए जी, यहाँ मैंने अपनी कुर्सी लगा ली है। तो जी गाइस 12 बज के हो गए हैं 10 मिनट और अब जाकर हुए हैं हम फ्री। चलो ये चलो चलो ये चलो पैकअप करो, पैकअप 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 पैकअप। हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह हम शूट करते हैं, थक गए बुरी तरह और अभी तो मुझे एडिटिंग करनी है, वो आधे घंटे में बन जाएगा, मुझे लगेंगे 2.5 घंटे। तो गाइस बहुत तेज भूख लग रही है, इतनी तेज कि बस क्या बताएं। लुटेरे आ गए, लुटेरे आ गए, अरे लुटेरे आ गए, अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। तो जी गाइस सहरी का वक्त हो गया और यहाँ बन रही है रोटी। और आज एक बहुत अफसोस वाली बात हुई है, बच्चे बिना खाए सो गए क्योंकि खाना ही बनने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज बन रहा है चिकन, सेमी चिकन कोरमा, चिकन का सालन कह लो, कोरमा नहीं कह सकते इसको, सिंपल चिकन का सालन। माहू बिना खाए सो गई, उसके चक्कर में बन रहा था ये। और असल में हुआ ये है कि हम 12:30 बजे निपटे छूट से, उसके बाद इतनी तेज भूख लग रही थी कि बच्चों ने, हमने मिल गए समोसे और वो सब खा लिए, चटर मटर समोसे और पकौड़े और केक सब था, वो सब खा लिया। फिर ये खेल खेल में ये दोनों ये लेट गए और लेटते ही सो गए, दूध पीते ही सो गए। मायरा ने भी दूध पिया, हाँ। मायशा ने भी दूध, रोटी सालन नहीं खाया। माहू 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 सहरी खाओगी, ओए हिला थोड़ा जोर से, माहू मायरा दो नींद में। चलिए गाइस सहरी करते हैं और तो माहिरा की, माहिरा की ही है, माहिरा ही खाएगी हमारी फेवरेट गर्दन। चलिए जी गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं और सहरी के बाद मिलते हैं, ये हमारी तंदूर की रोटी कल की। तो ये मैडम नींद का नशा, लड़की रोटी ले लेते ना पहले। हाँ लूंगा लूंगा, क्यों तंदूरी खा रहे हैं बासी कल की? नहीं नहीं एक तंदूर की एक घर की, जब घर की मैंने ताज़ी इतनी सारी बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाय
हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। तो आज हो गया है 11वां रोजा। माशाल्लाह से दिन पर दिन निकलते जा रहे और रोजे आगे बढ़ते जा रहे और माशाल्लाह से आज 11 रोजे हो गए। पता नहीं चला, ये बीच बीच में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देगी हमारे घर के बच्चों की बैठी हुई बजा रही। तो गाइज, आज थोड़ा सा डाउन फील हो रहा है, एनर्जी भी डाउन लग रही है, ऐसा लग रहा है बीपी लो हो रहा है, पता नहीं क्या डाउन फील हो रहा है। मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, लग रहा है बस लेट जाओ, बार बार ऐसे ही लग रहा है ना, कुछ काम करने का मन कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मतलब बस ऐसे लग रहा है लो लेटो, इधर लेटो उधर लेटो। तो कोई कोई दिन रमजान में ऐसा भी होता है, फील होता है, जिस दिन लो फील होता है, क्या होता है ना कि हम जो शहरी में या तो पानी कम पीते हैं या प्रोटीन या कोई ऐसी चीज़ कम खाते हैं जिससे हमें लो फील होता है। खैर कोई बात नहीं, ब्लॉग कंटिन्यू है, ब्लॉग चल रहा है शहरी से, और शहरी में हम सो गए थे और आज जाना भी था मायरा के स्कूल तो हम जा ही नहीं पाए। खैर 10 तारीख से मायरा के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और अभी इफ्तार के बाद जाना है मुझे मार्केट। चलिए व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग बोल रहे थे गुलगुले की रेसिपी देना, क्योंकि हमने कल गुलगुले बनाए थे। सब्जी वाले भैया आ गए तो सोच रहे हैं कि आज हम गुलगुले बनाएं और गुलगुले की रेसिपी जूफिस कुकिंग पर शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि करें, अगर नहीं हो पाएगा तो कल कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी हम इफ्तार में आज गुलगुले बनाएंगे। और गाइस देखो हमें क्या मिला, देखो कौन आया। शीट्स मिल गई, शीट्स। तो दूध मंगाने के लिए ऐप को खोला और ऐप पे नोटिफिकेशन आया हुआ था कि स्प्रिंग रोल शीट्स अवेलेबल है, तो हमने स्प्रिंग रोल शीट्स ही मंगा ली। इससे ही बना लेंगे स्प्रिंग रोल भी और समोसे भी, क्या कह रही है। 6 बज गए हैं और जो शीट्स हमने मंगाई हैं तो उन शीट्स के पहले बना रही हैं रोल्स, कीमा रोल। गाइस हमारी इफ्तार की तैयारी हो गई है, रोल्स बना दिए, समोसे बना दिए, पापड़ तल दिए, फ्रूट चाट बना रही हूँ। और यहाँ पे ये रोजे से पहले ही ये देखो क्या कर रहा है, इस पे रख दिया, चल दिया। अंगूर दे दो मुझे खाने को, अंगूर नहीं बनाना मामा, उसको कुचलने को दे दो मुझे। तार हो गया गाइस, हाँ हो गया। अरे बोल लिया मौलाना साहब, तो मौलाना साहब के बोलने से क्या सारन बजा दिया उन्होंने। नहीं बोलते भी है। अरे यार ये लड़की हमेशा 1 मिनट लेट खुलवाती है, तो मौलाना साहब नहीं बोले अभी, रुक जाओ बोलो मौलाना साहब जल्दी। आज नहीं बोलेंगे, अफवाह है। अब बोले नहीं है, सीधा आसानी दे दी मौलाना साहब ने। चले चलो बटन लगा लो, जरा बटन क्यों लगा रहे हैं, अभी से उतार दीजिए, चेंज कर लीजिए, गंदे हो रहे हैं कपड़े, 2-3 दिन हो गए, मैंने भी चेंज कर लिए, बच्चों ने भी। गंदे तो नहीं हो रहे यार। अरे मतलब इसमें ये डार्क कलर है ना, इसमें दिखता नहीं है, हो गए हैं गंदे। चेंज व्लॉग में चल जाएंगे, अगले व्लॉग में चेंज हो जाएंगे। समझाओ इसे, समझाओ। अरे चेंज करके चल लिए ना, बट ये बिना बटन लगाए घूम रहा था, ऐसा लग रहा है कहीं का गुंडा आ गया। बच्चों की भी चेंज करा दिए, मैंने खुद भी चेंज कर लिए। अजो। A few moments later. चलो लाइटें दिखा देता हूँ उसी बात पे। यहाँ से शुरुआत। अभी व्लॉग में इतनी बार हो गई है, कमेंट कर कर कहते हैं कि ये तो हमारा एरिया है, यहाँ हमारी शॉप है।
तो गाइस मार्केट पहुंच गए हैं और यहां से हमको लेसेस वगैरह लेनी थी, सूफी को अपने सूट्स में लगवानी है और वो टेलर भैया को देनी है, वो उसमें लगाएंगे और उसके बाद बस यहां से निकलते वक्त सूफी को फॉलोअर मिल गए उनकी, तो बस थोड़ी देर वहां पर बातें बातें की और उसके बाद हम लोग निकल गए। बैठो कभी काय को बजाते रहते हैं खाली रोड पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या चूल है सही में यार, बहुत ड्राइविंग सेंस ना बहुत कम है लोगों के पास, बस इनको ये लगता है कि हॉर्न बजाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम आ रहे हैं। मैसूर इंग्लैंड आँख मार रही है। क्या वो क्या कह रहे हैं? चल गया नहीं अभी कोई फुला आज को मिलेगा। घर आ गए हैं गाइस और काम हो गया है जिस काम के लिए गए थे, अपने इनको सूटों की बेल लेनी थी और वो बेल देनी थी टेलर को। क्या ब्लॉगिंग करनी है? मैं कह रहा था एक पप्पी दे दीजिए, एक किसी दे दीजिए मुझको पहले। थैंक यू। हाँ बैठ रहो, एडिटिंग करनी है। चाय चाय, रोजे के बाद सिर्फ यही है चाय चाय चाय। चाय पेट में जाए, रोजे के बाद जब पेट में चाय जाए तभी हमारे तन मन में सुकून आए। क्या बात, वरना हमारी रूह कप कपाए और हम यहाँ से छोड़ के भाग जाए। रूह को सुकून मिल जाता है जब ये चाय मिलती है। गाइस ये है वो वीडियो जो कल हमने शूट करा है, उसका रेंडर करके फाइनल एडिट देख रहे थे हम लोग। ओहो हो हो, क्या जबरदस्त रील लग रही है, क्या जबरदस्त रील बनी, इतनी मेहनत करिए तो अच्छी बनेंगी यार। बहुत ही जबरदस्त लग रही है, अभी दिखा नहीं सकते, काश की दिखा सकते, एक झलक भी नहीं दिखा सकते अभी। हाँ, भी नहीं दिखा सकते, लेकिन 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 इस रील को देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे ये रील आएगी इंशाल्लाह 8 तारीख को, 8 अप्रैल को इंशाल्लाह। आपको रखते हैं बस इतना ही। अभी मैं सोच रही थी कि अब रात में मशीन लगा लूं, लेकिन हिम्मत भी नहीं हो रही, मन कर रहा है लगा लूं, कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं, मशीन लगाएंगे तो लगा लेंगे नहीं तो पता नहीं। बस फिलहाल इस व्लॉग को रखते हैं इतना ही, अगला व्लॉग स्टार्ट करेंगे, फिर सैरी करेंगे, जो जो करेंगे दिखाएंगे आपको, फिर मिलेंगे मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।